बैठते थे, चाय वाय पीते थे स्कूल से, लेकिन अभी क्या है कि बर्फ बहुत ज़्यादा है, बैठ करते हैं। और आज हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, हम दूसरे वाले लोकेशन पे जा रहे हैं, वो भी होटल का हम लोग डालेंगे। ये आप देखो, ये प्रॉपर कॉटेज है। A few moments later, दूसरा होटल दिखाते हैं जो ये ब्यास वैली बनता है, इसका नाम ब्यास वैली। तो अभी काफ़ी पीसफुल होटल है, यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में देखने को मिला है। यहाँ का लोकेशन देखिए, ये भी पूरा वुडन फ्लोर है और यहाँ से आप व्यू का मज़ा ले सकते हो। ये नॉन बालकनी है, यहाँ से व्यू का मज़ा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा है। और धूप भी, सनलाइट भी एकदम सीधा आ रहा है, तो ठंड भी उतनी नहीं लगेगी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत शांति। कैसा है मनाली का मॉल रोड। और ये रास्ते में आपको ब्यास नदी दिख रहा होगा, ब्यास नदी से ही मैं ये रास्ता जाता है मॉल रोड के लिए। तो ये है मनाली का मॉल रोड और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और अच्छा मॉल रोड है, काफ़ी अच्छा रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारा मोमोज वगैरह है। A few moments later. सो हम लोग मॉल रोड से निकल गए हैं, और मॉल रोड से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए सोलांग वैली से। आप थोड़ा सा आगे जाओगे, नीचे की साइड में ही बहुत सारा आइस था, तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं और चाय पी के फिर हम लोग होटल के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, काफ़ी ठंडा है यार सच्ची में। और बर्फ़ में चाय का मज़ा, चाय है जो बचा के रखा है। आप देख सकते हो पूरा बर्फ ही बर्फ है, इसके बीच मैं बैठी हूँ और चाय पी रही हूँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तो बर्फ। इधर हमने खाना खाया है, चाय और समोसा, देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वो वाह, ले लिया वीडियो रिकॉर्डिंग। और बर्फ में क्या पैर धंस रहा है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर तो स्लो मोशन मज़ा आएगा, क्या है? कितना बर्फ है देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा। Hey guys, welcome back to my channel. आज है मनाली का डे टू, जो आज हम लोग, जो मैंने आज सुबह से ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ठंड था, -1, -2, -3 में टेम्परेचर जा रहा था। वैसे अभी भी वही है टेम्परेचर, -1 टेम्परेचर, धूप आ गया है तो मुझे थोड़ा अंदर से एनर्जी आई, इसलिए मैं सोचा चलो आज मॉर्निंग से ब्लॉग शूट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से चेकआउट करूँगी इस वाले होटल से, और मैं अगले लोकेशन पर जाऊँगी। अभी तक मैंने दो
होटल का आपको मैंने दिखाया, अब मैं तीसरे लोकेशन पे जाऊंगी। वो होटल, ये दोनों होटल से बहुत ही अच्छा होटल है। तो बस अब हम लोग यहाँ से रेडी होके, फ्रेश व्रेश होके अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 11 बजे यहाँ से चेकआउट करना है। फिर हम लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं।